तो गाइज अभी हमारा थोड़ा सा गला खराब है, गले में खराश है और दवाई चल रही है, बट ऑब्वियसली यार भोजपुरी सॉन्ग की बात आती है तो पवन सिंह का नाम आता है। पवन सिंह का हम लोग लाल घाघरा जैसे किया, उसके बाद से आप लोगों की इतने कमेंट आए, इतने रिक्वेस्ट आई है कि उनका करंट गाना करो। करंट मतलब मैं तो कंफ्यूज थी, करंट कौन सा गाना है, करंट ही तो लाल घाघरा आया है। हाँ फिर थोड़ा ढूंढा वाली पर पता करके देखा तो समझ में आया कि करंट नाम से गाना है वो। तो इट्स वेरी यूनिक है ना, नाइस है। मतलब मुझे बहुत अजीब लगा करंट नाम से कोई गाना, भाई भोजपुरी चीज है ये, लगावे एंड ऑल ऐसा कुछ तो होगा। तो इस गाने के बारे में बात कर लीजिए, इसमें जो साथ में जो सिंगिंग की गई है वो पायल देव ने की है। अच्छा इसमें यूनिक चीज क्या है कि पायल देव ने साथ में गाना भी गाया है, लिरिक्स भी दिए हैं, म्यूजिक भी दिया है। ओके नाइस। तो पायल देव का मतलब मुझे भी अभी अभी पता चला है, रिसेंटली जब हम सर्च कर रहे थे, पायल देव इज आल्सो वेरी गुड सिंगर एंड बहुत फेमस है वो। हाँ वो भी अपने अपने अपनी इंडस्ट्री में फेमस है। तो न्यू मतलब यार यही तो मुझे रिएक्शन की बहुत अच्छी बात लगती है कि हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग जो सजेशन देते हो, वी रिसर्च ऑन इट, हम लोग कुछ नया पता करते हैं और हमें नई नई चीजें पता चलती है। ये बात सच है। और रिएक्शन से हमें एक्चुअली सारी चीजें पता चली है। अभी तक है ना सब इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं थी। मतलब बिकॉज़ हम इंडस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज नहीं रखते थे। तो गाइस कोई बात नहीं, तो अभी वाला गाना फटाफट सुन लेते हैं आपकी डिमांड पे। क्या देरी नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने में, पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। जब जब देखूं चश्मा डाउन करके, छोरे थक जाए सारे राउंड राउंड करके। हाँ जब जब देखूं चश्मा डाउन करके, छोरे थक जाए सारे राउंड राउंड करके। अब खुद मचाए तू, सबको नचाए तू, स्टाइल में नखरे दिखाती गोल्ड करा के बिजुरिया गिराती है। हम मुझे कच वच करके गोरी करंटवा लगाती है। काले चश्मे के पीछे से बबुआ नजरिया लड़ाता है। जब तू स्लोली चलती है, माँ कसम लगता है जैसे पूरी धरती हिलती है। बाल घुमा के जब तू मुझको अंखियों से ये देखे है, ऊपर वाला कंफ्यूजन में गर्मी में बारिश फेंके है। की कर ले इसमें फायदा तेरा है, बिना कहना चोरी मुझसे क्या तेरा क्या मेरा है। मोरनी जैसी हिलती है तू किस बात की धक्कड़ है, साइड में रख दे नखरे और चल खेले अक्कड़ बक्कड़ है। मेरे पीछे पीछे घूमे छोरे भवरों की तरह, दिल लगाने को ये झूमे रे बेसब्रों की तरह। तेरे पीछे पीछे घूमे छोरे भवरों की तरह, दिल लगाने को खड़े हैं ये बेसब्रों की तरह। मेरे चर्चे बड़े और है खर्चे बड़े, हर गली और गोल्ड करा के बिजुरिया गिराती है। हम मुझे कच वच करके गोरी करंट वाला लगाती है। काले चश्मे के पीछे से बबुआ नजरिया लड़ाता है। बढ़िया सॉन्ग था यार, क्या गजब।
बालों को गोल्डन करके बिजुरिया गिराती है, आए हाय आए, और नजरों के पीछे से करंट लगाती है। पर ये पूरे भोजपुरी नहीं था ये गाना। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात पूरा है, इंटरेस्टिंग बात तो मुझे रैप, हाँ रैप भी था। तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता ये भोजपुरी गाना था, क्योंकि इसमें कुछ एक दो वर्ड के अलावा सब बाकी सब प्रॉपर हिंदी में ही था। और ये प्रॉपर बॉलीवुड वाइब्स दे रहा था, है ना, मतलब इंडियन सिनेमा की वाइब्स दे रहा था, हिंदी गानों की वाइब्स दे रहा था। तो मतलब मुझे हाँ वो जो पूरा लुक लिया था वो एकदम देसी लुक था, देसी इंडियन वाइब्स कह दो। हाँ मतलब इसमें कहीं भी मेरे को भोजपुरी वाला जैसा कैसा था, जैसे अपने लाल घगरा बना के, लाल घगरा एकदम पूरा डेंजर डेंजर पूरा भोजपुरी, क्योंकि इसमें पावर पावर सारे सारे वर्ड इन हिंदी, तो गाना बहुत सही था। पर ये इस वजह से ही शूट किया हो कि ऑब्वियसली अब क्या है, हर तरह की ऑडियंस को रीच कर रहा है। हां सही बात है, ये बात जरूरी है। एंड पवन सिंह कितना डैशिंग लग रहा था, मतलब कहीं कहीं मुझे वो सलमान खान की, हां सलमान खान की याद दिला रहा था एक्चुअली वो। हां मतलब लुक के साथ में सच में ऐसे याद दिला था। और नाइस मतलब इनकी आवाज़ तो ऑब्वियसली जादू है, इनकी आवाज़ बहुत बढ़िया थी। पायल देव की आवाज़ बहुत अच्छी थी यार, बहुत बहुत सुरीली आवाज़ की, आवाज़ किसी से मैच कर रही थी। मतलब मेरे को मैंने से बॉलीवुड में गाने भी गाना का म्यूजिक भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ऐसे या तो सुना हुआ होगा मैच पहले कर रहा है, या तो एक मे भी कि इसका जो वीडियो है ना वो ऐसा है कि जो मतलब नॉर्मल बॉलीवुड 90s के या 90s से अभी 2000 के जो ये 2000 कह रही हूँ मैं, अभी 2000 वाली जो हम ये सुनते थे ना एल्बम्स कह रही है ना, एल्बम कह दो या फिर वो सिंगल गर्ल डांस जो होता है जैसे आइटम नंबर, हाँ आशिष बताओ यार मुझे याद ही नहीं आता। Okay. ये आइटम नंबर टाइप तो नहीं था, वैसा तो नहीं था, नहीं पर मुझे ऐसी कहीं ना कहीं वाइब थी, ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं उस तरह का कोई गाना मैंने सुना है, ऐसे आइटम नंबर हो सकता है। बट ऐसा एक्चुअली गाना सुना तो नहीं था, बट हाँ कुछ वाइब्स ऐसी आ रही थी कि ये मतलब कनेक्टेड सॉन्ग था, जैसे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कहीं तो भी आया हुआ ऐसा लग रहा है। बट That is good one. मुझे ना बहुत सिंगिंग सेंस बहुत अच्छा लगा, लाइक फीमेल कैरेक्टर का जो हीरोइन जो दिखाई थी, हाँ जो कास्ट लिया था ना, और वो जो लोकेशंस वाइब्स कितनी सही वाइब्स दे रहा था यार, मतलब ऐसा लग रहा था कि सच में। और ये ना मुझे तो लगता है क्लब में बजाना चाहिए, आई होप बजा भी होगा। हाँ बजा होगा, बहुत दिनों से हम लोग भी क्लब नहीं गए तो नहीं पता, ये आजकल तो सब जगह सब चलता है भाई, सारे गाने सब जगह चलते हैं। नहीं तो मतलब यही कह रही कि बजा होगा, तो आप इस कमेंट करके बता रहे हैं कि बजा कि नहीं, और एफएम नहीं बजा तो आई तो अपन रिक्वेस्ट इंसिस करेंगे बजवाओ यार, क्या भयंकर गाना एकदम, वो तो बवाल देने वाला, करंटवा लगा दोगे भाई, करंटवा वाला गाना है ये। चलिए।